खबर आपकी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीएसपी के द्वारा विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद है। इस सभा के द्वारा अयोध्या राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की मांग की जा रही है। जी आप यहाँ पे आए हुए, क्या मांग है आप लोग? हम मेरठ सूरजकुंड बाबा मनोनाथ मंदिर ऐतिहासिक स्थल से आए हैं। हमारी मांग यही है कि जहाँ राम जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर वहीं बनना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि गवर्नमेंट एक नया अध्यादेश लाके और शीघ्र अति शीघ्र राम मंदिर बनवाए। यहाँ पे कितनी संख्या में लोग उपस्थित, राम भक्त उपस्थित हुए? बहुत हैं यहाँ, कम से कम 20 लाख लोग हैं यहाँ पे, जो राम मंदिर बनाने के लिए सब लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं चारों तरफ। हम सभी दल यहाँ पर मांग लेकर आए कि हमारे अलीगढ़ से हमारे अयोध्या में भव्य मंदिर बने, हमारा यही प्रण है। और हम सभी हिंदूवादी एक गुट में हैं और कोई जात बरादरी कुछ नहीं है, सभी कास्ट एक साथ में हैं और हम सभी को लेकर के आए हैं सभी दल। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष राम मंदिर बने, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति प्रियता से राम मंदिर बने, हमारी यही खुशी होगी कि मंदिर बन जाए हमारा। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए हम आए हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि अपने ही भगवान राम के मंदिर के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में अगर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अमेरिका और पाकिस्तान में बनेगा? आज हम देशवासी सभी हिंदू सरकार को जागृत करने के लिए आए हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। हमारे देश में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए हम हिंदुओं का आंदोलन करना पड़ रहा है, यह हमारे लिए दुख का विषय है। जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अब मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियां मिलकर के भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने और हम सभी हिंदुस्तान वासियों का गौरवान्वित करें। मैदान में देख रहे हैं कि पूरी सीपी एक तरीके से बंद हो चुकी है और लोगों का भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। कितनी संख्या होगी लोगों? 5 लाख से 6 लाख लोग आज रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं और दिल्ली से ही 5 से 6 लाख लोग पहुंच रहे हैं। उसके अलावा एनसीआर से भी, अलीगढ़ से भी काफी लोग आए हुए हैं और आपके एनसीआर गाजियाबाद फरीदाबाद हरियाणा से भी लोग आए हुए हैं और सभी राम भक्त हैं ये और सबकी यही इच्छा है। 25 लाख के आसपास आबादी रहेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ हरिकिशोर शाह की रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज दिल्ली। नहीं